हेलो क्लास ट्वेल्थ वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर एंड दिस इज आर लेक्चर थर्ड राइट और लास्ट टाइम हमने क्या किया था लास्ट टाइम हमने देखा था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड ठीक है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड की क्या सॉलिबिलिटी है आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ओके सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ठीक है हेलो संकेत कौशिक गुड इवनिंग ओके सो हेडिंग क्या रहेगी आज की क्लास की सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ठीक है लिक्विड की क्या सॉलिबिलिटी है तो यहां पे क्या है किस तरीके से सॉलिबिलिटी को हम फाइंड आउट करेंगे कि यानी कि अगर हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है तो कितना उसमें हम गैस डिजोल्व कर सकते हैं यही बात की जा रही है डेफिनेशन हम यहां पे क्या लिखेंगे सो द क्वांटिटी ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व इन वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सल्यूशन ठीक है सो so, यहां पे क्या लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब द क्वांटिटी ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिजॉल्व इन वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्वेंट और गिवन लिक्विड इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ठीक है इसी को हम क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी जिस तरीके से हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पर डिपेंड कर रहे हैं उसी तरीके से हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिपेंड जो अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को ठीक है सो फैक्टर अफेक्टिंग क्या हो जाएगा फैक्टर <laughs> अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं येस लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से फैक्टर है अफेक्ट करने वाले सो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस ठीक है जो डिजोल्व किया जा रहा है और नेचर ऑफ लिक्विड जिसमें यह डिजोल्व किया जा रहा है सो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस सेकेंड इज नेचर ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट ठीक है इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड फोर्थ वन इज प्रेशर पर डिपेंड करता है ये चार फैक्टर हैं जिस पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है कौन कौन से हैं नेचर ऑफ गैस नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ठीक है टेम्परेचर एंड प्रेशर वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं राइट तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ गैस की किसकी बात करेंगे हम नेचर ऑफ गैस की नेचर ऑफ गैस तो देखो कुछ जो गैस होते हैं वो इनर्ट होते हैं ठीक है कुछ जो गैस होते हैं वो कैसे होते हैं इनर्ट होते हैं वो सोलिबल नहीं होना चाहते हैं लिक्विड के अंदर राइट एंड कुछ जो गैस होते हैं वो हाईली सोलिबल होते हैं राइट यहां पे हम क्या लिखेंगे सम गैस सम गैस आर इनर्ट गैस ठीक है कुछ गैस कैसे होते हैं इनर्ट गैस होते हैं सम गैस आर इनर्ट गैस सो इट हार्डली सो इट हार्डली सोलिबल इन लिक्विड कुछ जो गैस होते हैं वो इनर्ट गैस होते हैं तो वो हार्डली ही सोलिबल होते हैं किसमें लिक्विड में क्लियर उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो कम होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं O2 की ऑक्सीजन इज लेस सॉलिबल इन वाटर ऑक्सीजन कैसा होता है कम सॉलिबल होता है पानी के अंदर ठीक है ऑक्सीजन हमने ले लिया और किस गैस की बात कर ले अगर हम नियॉन गैस की बात करेंगे तो ये तो इनर्ट गैस है आर्गन गैस की बात करते हैं तो ये भी कैसा है इनर्ट है ठीक है तो ये कुछ इनर्ट गैस है बात करते हैं हम हीलियम गैस की ठीक है हीलियम गैस की और नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा तो ये सारे के सारे कैसे हैं इनर्ट गैस है इज लीस्ट सोलिबल इन गिवन लिक्विड ठीक है ऑन अदर हैंड की बहुत सारे ऐसे गैसेस भी हैं जो रिएक्ट करते हैं ठीक है इजिली रिएक्ट करते हैं इजिली सॉलिबलाइज हो जाते हैं किसके अंदर गिवन लिक्विड के अंदर ठीक है सम गैसेज आर सम गैस आर हाईली soluble सम गैस आर हाईली soluble इन लिक्विड ठीक है कुछ जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं हाईली सोलिबल होते हैं लिक्विड के अंदर जैसे कि SO2 गैस हमने ले लिया ठीक है पानी के अंदर डाला हमने तो यहां पे क्या बन जाएगा ये SO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में कन्वर्ट हो गया हाईली सॉलिबल है CO2 की बात करेंगे हम तो पानी में जाते ही ये क्या, क्या बन जाएगा? H2CO3, HCl की बात करते हैं HCl गैस तो पानी में जाने के बाद HCl गैस है, ठीक है पानी में जाने के बाद ये HCl एक्वस बन जाएगा और अपने आयंस में भी ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो ये तो गैसेस जो हैं वो हाईली सोलिबल है यहां पे कुछ गैसेस जो हैं वो लीस्ट सोलिबल है कम सोलिबल होते हैं क्लियर समझ आया ये क्या था नेचर ऑफ गैस ऐसे ही नेचर ऑफ लिक्विड है कि हम किसके अंदर इन चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी टेंडेंसी कितनी है उसकी क्षमता क्या है अपने अंदर गैस को डिसॉल्व कराने की ठीक है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसके बाद हम बात करते हैं क्या बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जनरली जब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की तो ये जो रिएक्शन है ना ये कैसा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है ये कैसा रिएक्शन है एग्जोथॉर्मिक रिएक्शन है लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि इन एक्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर दिलिटी डिक्रीज जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है क्लियर यहां पे क्या हो रहा है एक रिएक्शन हो रहा है ठीक है गैस सॉल्वेंट है हमारे पास गैस प्लस सॉल्वेंट से यहां पे हमको सल्यूशन मिल रहा है और साथ ही साथ हमें यहां पे कुछ हीट भी मिल रहा है होगा क्या रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद क्या होगा अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल ठीक है लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा when amount of product is more when amount of product is more than the amount of reactant when amount of product is more than the amount of reactant then to मेक इक्विलिब्रियम टू मेक इक्वलिब्रियम रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन मेक इक्वलिब्रियम रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना स्टार्ट कर देती है क्लियर ये किसने कहा है ये हमें ली चैटरलियर प्रिंसिपल से पता चला है कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है ठीक है अब क्या बताया था कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सोलिबिलिटी ऑफ गैस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन इज एन एग्जोथॉमिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन है ये ये एक एग्जोथॉमिक रिएक्शन है एंड वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन एग्जोथॉमिक रिएक्शन द सॉलिबिलिटी डिक्रीज एंड वेन वी

टेम्परेचर का इफेक्ट येस yes, क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ते ही सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा राइट right? ठीक <coughs> है बट यहां पे कुछ रेयर केस भी होते हैं यहां पे जब हम इनर्ट गैस की बात करते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट सम एक्सटेंट और फिर उसके बाद क्या हो जाता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्लियर इसको नोट डाउन करिए सबसे पहले इसमें हमने क्या समझा सबसे पहले इसमें हमने लीच प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा ठीक है कि उन्होंने क्या बताया था हमको और किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पे इफेक्ट आता है राइट लास्ट क्लास में भी हमने यही डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है अगर आपने इसे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा इसमें हेल्प मिलेगा आपको क्लियर समझ में आया ये तो था नॉर्मल अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनर्ट गैस की ठीक है इन केस ऑफ सम इनर्ट गैस इन केस ऑफ सम इनर्ट गैस वेन वी इंक्रीज वेन वी इंक्रीज टेम्परेचर When we increase temperature, the solubility the solubility of gas also increase okay? to some to some extent. ठीक है इन केस ऑफ सम इनर्ट गैस वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज टू सम एक्सटेंट कुछ टाइम तक सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है बट फिर उसके बाद क्या हो जाता है नॉर्मल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है क्लियर है इतना समझ आ गया हूं डन ये क्या था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब जो मेन चीज आने वाली है वो क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहले हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये बताइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हैं तो प्रेशर करने से वो और क्लोज नहीं आएंगे बट अगर हम बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड तो गैस को हम कर सकते हैं गैस आर हाईली कंप्रेसिबल जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं तो यहां पे हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ना हम एक बढ़िया सी चीज पढ़ेंगे एक लॉ पढ़ने वाले हैं और फटाफट से हेडिंग डालिए वो लॉ क्या है वो लॉ लॉ कौन सा लॉ है लॉ अब हेनरी ने ऐसा क्या किया इनके लॉ के बारे में जान लेते हैं इन्होंने ना सबसे पहले हम दो बीकर लेंगे ठीक है हमने यहां पे दो बीकर लिया है फिर उसके बाद हमें यहां पे हमने दो पिस्टन लिया है और ये हम क्या रख रहे हैं यहां पे? <coughs> यहां पे हमने कुछ पिस्टन्स रख दिए हैं ठीक है क्या रख दिया हमने यहां पे कुछ पिस्टन्स रख दिए हैं ठीक है ये कुछ ऐसे पिस्टन्स रख दिए हमने हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब हमने कुछ भी प्रेशर नहीं डाला था ठीक है ये क्या है ये पिस्टन है और इस कंटेनर में क्या क्या चीजें हैं वो जान लीजिए इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है ठीक है और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक और यहां पे अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे पूरे में क्या है पानी है तो ये देखा गया कि जब हमने प्रेशर बहुत कम लगाया था सिर्फ हमने पिस्टन पिस्टन लगाया ही था तो सॉलिबिलिटी जो है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम है लेकिन जैसे ही हमने इस पिस्टन पे वेट रखना शुरू कर दिया लिक्विड के अंदर जो सॉलिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या हो गई बढ़ गई ठीक है तो क्या हो गया मास जो है मास बढ़ाने से क्या हुआ मास बढ़ाने से क्या हुआ बताइए मास बढ़ाने से क्या हुआ सोलिबिलिटी बढ़ गई क्या कह रहे हैं हम यहां पे मास बढ़ाने से क्या हो गया सोलिबिलिटी बढ़ गई है ना प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ सोलिबिलिटी जो है वो बढ़ गई इतना समझ आया तो यहां से क्या कहेंगे द क्वांटिटी ऑफ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट राइट द सोलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग दी प्रेशर ऑन इट जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे गैस जो है वो ज्यादा सॉलिबिल होने लग गया किसमें लिक्विड में राइट सो दॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर यही है solubility ऑफ अ गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इट इतना आ गया समझ में क्लियर है इतना यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं वैसे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है तो यहां से हम एक लाइन बोल सकते हैं कि एम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पी जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है एम क्या है मास ऑफ गैस ठीक है और पी क्या है प्रेशर अप्लाइड ऑन अ गैस ठीक एम क्या है मास ऑफ गैस पी क्या है प्रेशर अप्लाइड ऑन इट ठीक है जो गैस पे हम मास दे रहे हैं जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्या हो जाएगा ये बात याद रखिएगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एम इज मास ऑफ गैस वेयर इज पी इज प्रेशर अप्लाइड ऑन इट ठीक अब जब हेनरी ने इतनी सारी चीजें कर ली तो उन्होंने क्या किया उनके दिमाग में एक चीज आई कि डाल्टन ने भी कुछ ऐसा ही अपना थ्योरी दिया था ठीक है डाल्टन ने भी कुछ अपना ऐसा थ्योरी दिया था तो उन्होंने क्या किया डाल्टन के थ्योरी पे थोड़ा वर्क किया आप जानते हैं कि डाल्टन की क्या थ्योरी थी इतना क्लियर है हेनरी ने हमको क्या बताया था इतना समझ आया अब देखो डाल्टन की थ्योरी जरा पढ़ते हैं कि डाल्टन ने हमें क्या बताया था डाल्टन ने ना पार्शियल प्रेशर पे अपनी थ्योरी दी थी किस पे दी थी डाल्टन ने डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर पे अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने क्या किया सपोज कि हमने यहां पे चैम्बर ले लिया ये चैम्बर्स ले लिए ठीक है अब चैम्बर ए में कोई ए गैस होगा ठीक है इसमें कोई हमने एक ए गैस फिल कर दिया इसमें ए गैस है इसमें बी गैस है और इस चैम्बर में क्या है सी गैस है और इन सब को मिला के एक एबीसी चैम्बर बनाया गया जिसमें क्या है इन तीनों का मिक्सचर है ठीक है जिसमें अभी इनको अलग अलग कलर से बनाया नहीं आप समझ जाइए इसमें इन तीनों का क्या है मिक्सचर है ओके ठीक है क्लियर क्या किया डाल्टन ने क्या किया तीन चैम्बर लिया एक में गैस ए सेकेंड में गैस बी और थर्ड में गैस सी है और फोर्थ चैम्बर में उन सारे गैस को मिला दिया तो अगर हम गैस ए की बात करें कि जो ए हमारा चैम्बर है उसमें एक ही गैस है तो जो प्रेशर लगाएगा वो सिर्फ ए नाम का ही गैस लगाएगा ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ए पी ए क्या हो जाएगा ये पार्शियल प्रेशर ए यानी कि पार्शियल प्रेशर पूरा पूरा प्रेशर जो प्रेशर जो है वो गैस ए ही लगाएगा पी का क्या मतलब है पी का क्या मतलब है गैशियस प्रेशर ऑन अ चैम्बर ए ठीक है? प्रेशर ऑन अ चैम्बर ए प्रेशर ऑन अ चैम्बर ए ठीक है अब इसमें बी गैस है तो इस चैम्बर में जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ गैस बी ही लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा पी बी और इसमें क्योंकि सी गैस है तो इसमें जितना भी प्रेशर लगेगा वो सी लगाएगा ठीक है इसमें जितना भी प्रेशर लगेगा वो कौन लगाएगा सी लगाएगा अब होगा क्या कि जो नया चैम्बर है इन सब का जो मिक्सचर किया है इसमें कौन कौन से गैस है इसमें पी ए है पी बी है और पी सी है यानी कि ये टोटल प्रेशर है P टोटल इज इक्वल टू पी ए पी बी और पी सी अब देखो जो चैम्बर लास्ट वाला है ए गैस का जो चैम्बर है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे गैस ए गैस बी गैस सी अभी आपको ये थोड़ी पता है कि गैस ए कितना प्रेशर लगा रहा है कि गैस बी कितना प्रेशर लगा रहा है कि गैस सी कितना प्रेशर लगा रहा है अभी आपको नहीं पता ठीक है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है गैस A गैस B गैस ए का 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 बी और सी बट अभी हमें कंफर्म नहीं है कि गैस ए कितना प्रेशर लगा रहा है ठीक है गैस बी कितना प्रेशर लगा रहा है और गैस सी कितना प्रेशर लगा रहा है पार्शियल प्रेशर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि सारे फिफ्टी फिफ्टी अपना प्रेशर लगा रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई में भी बहुत थोड़ा लगा रहा हो कोई सबसे ज्यादा प्रेशर लगा रहा हो तो उन सबको हम पार्शियल प्रेशर के अंडर कंसिडर करेंगे बेसिकली पार्शियल प्रेशर का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर एग्जाम्पल ठीक है पहले भी ये समझाया था आपको uh, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम ठीक है कि आपके यहाँ पे क्या आया आपने मार्केट से 50 मोमोज पैक करा लिए ठीक है आप घर पर आए आप कितने भाई हैं वन टू थ्री ठीक है One, two, अब टोटल कितने मोमोज आए हैं आपके घर पे पचास मोमोज आए हैं तो सबके मुंह में पानी आ गया अब जैसे ही प्लेट में रखा हमने पचास मोमोज क्या किया कि जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना मोमोज उठा के खा ले रहे हैं ठीक है जिसकी जितनी श्रद्धा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ठीक है हमने क्या किया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि आप जो हो ठीक है आप जो हो मान लो आप कितने ईयर्स के हो सेवनटीन एटीन ईयर्स के हो आपका जो भाई है एक भाई जो है वो फाइव ईयर्स का है ठीक है और एक भाई आपका जो मान लो कि थर्टी फोर्टी ईयर्स का लेट सपोज मे बी कजन भी हो सकते हैं right? राइट तो अब हो क्या रहे कि जो बेचारा पांच साल का भाई है आपका वो ज्यादा से ज्यादा कितने मोमोज खा लेगा वो ज्यादा से ज्यादा कितने मोमोज खा लेगा एक दो तीन ठीक है ओके फिर जो तीस चालीस साल के आपके भाई हैं वो ज्यादा मोमोज खा सकते हैं और आप क्योंकि लड़ाकू हो तो आप छीन के भी खा लोगे तो यहां पे क्या हुआ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ लेकिन अगर फिर आपकी मम्मी आएंगे वो पूछेंगे कि बताओ कि इस मोमोज में से किस किसने खाया है तो आप क्या बोलोगे हम तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस मोमोज को खाने के लिए क्या कहेंगे हम तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ठीक है तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है बट पता थोड़ी कि किसने कितने मोमोज खाएं ये नहीं पता हमको बस इतना पता कि हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों का है तो ऐसे ही हमको नहीं पता कि कितने प्रेशर लग रहे हैं हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों का अब पता कैसे चलेगा कि किसने कितने मोमोज खाए हैं आप क्या करेंगे सेम पचास फिर से अगले दिन मोमोज आए ठीक है आपके भाई ने क्या किया फास्ट रख लिया जो आपका छोटा भाई था पांच साल वाला भाई उसने क्या कर दिया फास्ट रख दिया ठीक है अब आप दोनों ने मोमोज खा ली जितने पहले दिन खाए थे उतने ही खाए सेम अब जितना आपका छोटा भाई मोमोज खाता है क्योंकि उसका फास्ट था तो उतने उसने मोमोज छोड़ गए ठीक है उतने उसने मोमोज छोड़ दिए छूट गए अब आपकी मदर आएंगी देखेंगे कि इतने मोमोज छूट गए क्यों क्योंकि आपके छोटे वाले भाई ने नहीं खाए तो इससे उनको क्या पता चल जाएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसने अपना कितना पार्शियल प्रेशर दिया है तो एक को उसमें फास्ट रखना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा ही इसमें है कि एक को हम क्या कर देंगे यहां पे एक का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकालेंगे ठीक है बाकी दो का हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे का हमको अपने आप पता चल जाएगा तो इस तरीके से डाल्टन ने भी कुछ बताया था हमको सो पार्शियल प्रेशर का मतलब बेसिकली समझाना क्या था कि इक्वल नहीं होता बस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को हम पार्शल प्रेशर कहते हैं राइट सो पार्शल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ़ प्रेश प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी ठीक है टोटल प्रेशर राइट तो यहां से डाल्टन जो लॉ था और जो हेनरी का था हेनरी ने जो अपनी थ्योरी दी थी इन दोनों को मिला के हेनरी ने एक अपना नया लॉ बनाया क्या किया हेनरी ने अपना एक नया लॉ बनाया जिसको क्या कहते हैं हेनरी लॉ कहते हैं जिसको क्या कहते हैं हम हेनरी लॉ कहते हैं अब ये हेनरी लॉ है क्या क्या है ये हेनरी लॉ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ठीक है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ The number of moles of gas dissolve in a solvent, Yafir liquid is directly proportional to the partial pressure in a solvent or liquid is directly proportional to the partial pressure. ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ठीक है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ठीक है जो हमने इससे पहले मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पढ़ा था उसका ग्राफ क्या था उसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से था ठीक है प्रेशर वन प्रेशर टू प्रेशर थ्री और यहाँ पे मास वन मास टू मास थ्री तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा प्रेशर भी बढ़ेगा क्या था जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात की जा रही है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रेशर के मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन और जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ठीक है जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है आता है के एच एंड के एच इज हेनरी कॉन्स्टेंट के एच क्या है के एच इज हेनरी कॉन्स्टेंट और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो आप किस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मास और प्रेशर के बीच का ग्राफ है ठीक है किस किस के बीच की बात की थी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स तो इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा क्योंकि अभी हमने देखा ना डायरेक्टली प्रपोर्शन है जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ठीक है वैसे वैसे क्या होगा प्रेशर भी बढ़ेगा ये समझ में आ गया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कॉन्स्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स डन है इतना करिए उसको नोट डाउन यस क्लियर है सिग्निफिकेंस की बात करेंगे इसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ क्लियर है इतना कर लीजिए नोट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ तो बेसिकली जो हेनरी लॉ है ठीक है हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है सो सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ फॉर कांस्टेंट प्रेशर अब इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है अब इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है ये देखते हैं तो देखो यहां पे क्या होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा जो हेनरी कांस्टेंट है टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा और सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी हमने भी फॉर्मूला क्या देखा था के पी इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स ठीक है और ये क्या हो जाएगा के एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पी यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कॉन्स्टेंट अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहां पे क्या होगा बताइए सॉलिबिलिटी जो है सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ठीक है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो अगर यहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है ठीक है तो के एच भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ये यह डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एच भी क्या होना चाहिए यहां पे डिक्रीज होना चाहिए यही है उल्टा लिख दिया यस yes. यहां पे केएच निकाला है ना पी अपॉन एक्स होगा उल्टा हो गया है के एच इंक्रीज होगा ठीक है के एच क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी जो है वो क्या होती है डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है यही रीजन है कि जो एक्टिक एनिमल्स होते हैं राइट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे पानी में रहना पसंद करते हैं कैसे पानी में रहना पसंद करते हैं ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर तो टू गर्म पानी ठीक है क्यों क्योंकि गर्म पानी रहेगा तो टेम्परेचर रहे रहे तो की सोलिबिलिटी लेकिन अगर ठंडा पानी रहेगा तो क्या होगा कोल्ड वाटर रहेगा तो क्या होगा टेम्परेचर कम है सोलिबिलिटी ज्यादा है क्लियर तो ये चीज याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगा और साथ ही साथ हेनरी कॉन्स्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा इससे ठीक है आया समझ तो एक्वाटिक एनिमल्स वाला लिख ले हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लिव इन कोल्ड वाटर मोर कंफर्टेबली as compare to as compared to hot water because in hot water oxygen is less soluble and in cold water एंड इन कोल्ड वाटर सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई ठीक है कोल्ड वाटर में क्या होगा सॉलिबिलिटी जो होगी ऑक्सीजन की वो कैसी रहेगी यहाँ पे हाई रहेगी इस वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर ये हॉट वाटर क्लियर है समझ में आया यहां पे सारी चीजें राइट right? अब इसके बाद हम हेनरीज लॉ के ना एप्लीकेशन की बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम यहां पे हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे सो so, इसके बाद फटाफट से हेडिंग डालिए क्या हो जाएगा हेनरीज लॉ एप्लीकेशन हेनरीज लॉ एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में लगता है अब यहां पे क्या है तो आप ने कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया हुआ है ठीक है होता क्या है जस्ट अ कार्बोनेटेड वाटर उसमें क्या किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल प्रेशराइज करके बहुत ज़्यादा प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड उस के अंदर भरा जाता है। तो जब हम ड्रिंक कंज्यूम करते हैं ठीक है तो जैसे ही पहले तो खोलते हैं करके हमें ही देगा। वो किसकी साउंड कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है किसका साउंड है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है राइट फिर जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक पीते हमारे यहाँ पे गले पे सेंसेशन होता है ठीक है जलता है वो किसकी वजह से वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अब होगा क्या क्या होगा हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी और फिर हमने कैप बंद करके ऐसे ही रूम में रख दिया ठीक है फ्रिज में नहीं रखा हमने कहां पे रखा ऐसे ही रूम में रख दिया अब होगा क्या कि उस वक्त तो हमारा मन नहीं था तो हमने थोड़ा सा पिया और रख दिया बट कुछ टाइम के बाद हमें बहुत ही मन किया कि अब हम उस कोल्ड ड्रिंक को वापस से कंज्यूम करें फिर आप ये देख रहे हैं कि एक दो घंटे के बाद आपने वही सेम कोल्ड ड्रिंक जब कंज्यूम की तो उसमें उस तरीके का टेस्ट नहीं था वो सिर्फ क्या बन गया मीठा पानी बन गया क्या बन गया अब वो मीठा पानी बन गया अब वो कोल्ड ड्रिंक वाला फील ही नहीं आ रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे हुआ यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना वो हमने क्या कर दिया एक तो रिलीज हो गया कैप खोलने से दूसरा क्या हुआ क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो सॉलिबिलिटी जो बची कुछ ही सॉलिबिलिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड की उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो भी हमने निकाल दी तो बचा क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं उसके अंदर सिर्फ वो पानी पानी रह गया लेकिन अगर हम वही सेम चीज हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी और हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा क्या कहा टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा अब जब सॉलिबिलिटी बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें एज इट इज रह गया ना फिर अगर हम ठंडा कोल्ड ड्रिंक वापस से कंज्यूम करेंगे तो हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सेंसेशन है वो हमें फील होगा ठीक है और फिर से वो आप उसका कैप खोलोगे तो फिर से वो फिज का साउंड आपको सुनाई देगा क्लियर इतना समझ आया क्या था ये तो ये था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्लियर ये क्या था एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ लिख ले इसको फटाफट से कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर ठीक है कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिल किया जाता है बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर इसलिए हमें क्या करना चाहिए फ्रिज में रखने के बाद उसको कंज्यूम करना चाहिए क्लियर नाउ नेक्स्ट क्या है आप सबने किसके बारे में सुना है बेंड्स के बारे में सुना है स्कूबा डाइवर्स के बारे में सुना है स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं जो बिल्कुल ओशियन की गहराइयों में जाके है ना जाते हैं ठीक है तरह तरह की खोज करते बिल्कुल बहुत डीप डाउन चले जाते हैं पानी में दैट इज द स्कूबा डाइवर्स होता क्या जब वो पानी में नीचे जाते हैं ठीक है तो नीचे जाने से क्या होगा प्रेशर उनकी बॉडी पे ना इंक्रीज होता है जब वो नीचे जाते हैं तो नीचे जाने से क्या होता है प्रेशर उनकी बॉडी पे इंक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है प्रेशर इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी तो होता यह है कि उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस जो है वो बहुत तेजी से घुलने लग जाते हैं वो बहुत तेज़ी से डिजोल्व होने लग जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे ही वो स्कूबा डाइवर्स पानी से बाहर आते हैं प्रेशर कैसा हो जाता है कम हो जाता है अब नाइट्रोजन गैस निकलने की कोशिश करेगा तो माउथ के सहारे नोज से निकलेगा लेकिन वो इतनी स्पीड से निकलता है कि ये कम पड़ जाते हैं और वो हमारे स्किन से बाहर आने की कोशिश करते हैं ठीक है और हमारे स्किन पे ऐसे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं उसमें क्या होता है यहां से देखो नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा तो ब्लड भी आ सकता है स्किन ऐसे फट भी सकती है तो उसको क्या कहते हैं उसको हम बेंड्स कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम बेंड्स कहते हैं अब उसी बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है गैस सिलेंडर लेके जाना होता है और उसमें डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैशेज मिले होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हीलियम ठीक है उनका कुछ एक अपना फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन uh, होता है गैशेज का वो लेके जाएंगे तो सॉलिबिलिटी जो है नाइट्रोजन की हमारे ब्लड में डिजोल्व होने की वो टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी क्लियर तो स्कूबा डाइवर्स क्या है When they go deep down when they go deep down, the pressure increase the pressure increase due to this the solubility, of nitrogen gas solubility of nitrogen gas increase in blood ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा solubility जो है नाइट्रोजन गैस की वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी ठीक है when they when they come ठीक है when they come the pressure सडनली प्रेशर सडनली ड्रॉप एंड सॉलिबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड सॉलिबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग ठीक है सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही एंड नहीं वेट, pressure suddenly drop and solubility solubility of nitrogen gas solubility of n2 gas start decreasing and it try to come out of the body ठीक है वो क्या करेगी हमारी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगी क्लियर है और इसी कोशिश में क्या होता है इसी कोशिश में क्या होता है जब ये प्रोसेस चल रहा होता है सो इट कॉज पेन फटीग हम बोल सकते हैं हेड ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड बेंड्स ठीक है एंड दिस कॉज pain take a pain fatigue nausea etc is called bends how to avoid bends helium gas oxygen gas नाइट्रोजन गैस कैसे हम बेंड्स को अवॉइड करेंगे क्या क्या हमें गैस के सिलेंडर लेके जाने पड़ेंगे हीलियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन जो होता है वो कितना लेके जाना पड़ेगा हमें 11.2 परसेंट उसमें नाइट्रो, ये हीलियम का कॉम्पोजिशन होना चाहिए ठीक है नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए 56.2 के आसपास है और ऑक्सीजन का कितना बच जाएगा यहाँ पे थर्टी uh, ठीक है 32.6 परसेंट के आसपास का इसका कॉम्पोजिशन है क्यों अगर हमें बेंड्स को रोकना है तो एंड बेंड्स इज खतरनाक राइट यह हो गया सेकेंड एप्लीकेशन था ये अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की ठीक है थर्ड एप्लीकेशन क्या है थर्ड एप्लीकेशन क्या है एल्टीट्यूड सिकनेस एल्टीट्यूड सिकनेस अब ये क्या है जब हम हाइट पे जाते हैं जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो क्या होगा जो हमारे बॉडी का प्रेशर है ठीक है हमारे अंदर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है जब हम टॉप पे जाते हैं अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी बिकम लेस ठीक है जो सॉलिबिलिटी है ऑक्सीजन का वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता जाएगा कम होता जाएगा अब जब हमें सांस नहीं आएगी तो हमें क्या होगा हेड होगा ठीक है हमें हेडेक होगा सांस नहीं आएगी बहुत सफोकेशन सा हो जाएगा एंड समटाइम्स पीपल डेड ठीक है कभी कभी क्या होता है लोग मर भी जाते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से दिस इज द एल्टीट्यूड सिकनेस ओके सो एज वी मूव अप वर्ड द प्रेशर एज वी मूव अप वर्ड द प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग Hence the solubility of oxygen in our blood decrease. Due to this, due to this it cause. ठीक है ड्यू टू दिस इट कॉज हेड एक ठीक है हेड एक हो सकता है और वॉमिट भी आ सकता है राइट सफोकेशन एंड समाइम डेथ सो दिस इज एल्टीट्यूड सिकनेस ठीक है समटाइम डेथ दिस इज एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉल्ड समझ में आया एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है हेलो एकता नाउ क्लियर व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस तो अभी यहां पे हमने क्या किया सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है आज की क्लास में वो क्या है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड जिसमें हमने हेनरीज लॉ डाल्टन ने क्या पार्शियल uh, प्रेशर पे अपनी थ्योरी दी थी ये सारी चीजें पढ़ी हेनरी का पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया है नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे हम न्यू टॉपिक रहेगा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके okay? क्लियर है तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना सफिशियंट है आई थिंक ऑलमोस्ट फिफ्टीन मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है जो भी डाउट होगा आज की क्लास से रिलेटेड यू गाइस कैन आस्क एंड व्हाट्सएप पर भी आप आस्क कर सकते हो क्योंकि यहां पे क्या है आपको ग्रुप ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है ठीक है आपको लिंक्स दिए गए हैं प्लस आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी डाउट होगा अगर कमेंट करके बताने वाला होगा तो हम आपको कमेंट करके बता देंगे अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट को डिस्कस करेंगे ओके okay स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच